गणपति की मूर्तियों की काफ़ी सारी कीमतें बढ़ गई है पिछले साल से, इस साल कीमत ज़्यादा है। और पी की बहुत सारी मूर्तियाँ मार्केट में बिक रही है। शाडू माती की जो मूर्ति होती है वो पर्यावरण के लिए अच्छी होती है, पानी में विसर्जित करने से उससे पर्यावरण को कोई तकलीफ नहीं होती है। ये जो पीओपी की मूर्तियाँ होती है ये विसर्जित करने से पानी गंदा होता है, पानी की मछलियाँ और लोगों को उससे तकलीफ होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से विनती करना चाहता हूँ कि पीओपी की मूर्तियों पे रोक लगा के शाडू मारती की मूर्तियाँ बेचने पे अगर गवर्नमेंट भर देती है तो बहुत सारे पर्यावरण का हम यहाँ बचा सकते हैं। आने वाले साल में नासिक में कुंभ मेला है, कुंभ मेले के अवसर पर यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं नासिक में, इसलिए नासिक की जो नदियाँ हैं, कुएँ हैं, ये पर्यावरण बचाने के लिए शाडू माती की मूर्तियाँ अगर नासिक के लोगों ने खरीदी तो कुंभ मेले में, आने वाले कुंभ मेले में उसका बहुत सारा फायदा होने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है, उत्सव का माहौल जो है वो शुरू हो चुका है और गणपति बाप्पा तो सब में सबके ही बहुत एक मतलब बहुत प्यारे और लाडले भगवान है, तो वो आ गए हैं, उनका आगमन होने वाला है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हमारी तैयारी शुरू हो गई है। जैसे डेकोरेशन को लेकर सभी दुकानों में बहुत रश चल रहा है, सभी जगहों पे एक रौनक छाई हुई है और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है खरीदी में। और हम हर साल इसी तरह गणपति हम लोग लेने जब जाते हैं तो सभी चीज़ें हम लोग देखते हैं, गणपति के आगमन से छोटी चीज़ों को हम लोग बटोरते हैं, उनके लिए अच्छा सा डेकोरेशन करते हैं और 10 दिन बहुत घर में भी रौनक रहती है। अलग अलग हम लोग उनके लिए नैवेद्य बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं और स्पेशली मोदक जो है, मोदक भी हम लोग ये बनाते हैं तो मोदक भी बहुत चाव से खाते हैं। और आप देख ही रहोगे बाजार में इतनी सारी रेलचेल है और रौनक छाई हुई है। धूमधाम से तो हर साल होता ही है, बट इस साल स्पेशल बात यह है कि हम पर्यावरण का के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए शाडू माती का गणेश जी की मूर्ति लेने का हमने डिसाइड किया है, क्योंकि वो पर्यावरण के लिए भी सही है और एक विसर्जन जो है वो हम नगर पालिका के इसमें जब जमा करते हैं मूर्ति तो उनके हाल बाद में जो होते हैं वो देखा नहीं जाता है, तो इसीलिए ये साल से तो मतलब पहले भी शाडू माती का लेते लेकिन ये साल से तो डिसाइड कर ही चुके हैं कि हम शाडू माती की मूर्ति लेंगे इको फ्रेंडली। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चालू है और मूर्तियों का अच्छा बुकिंग चालू है। हाँ, बस इनिशियली थोड़ा सा है ना डाउटफुल थे लोग कि पीओपी चालू है नहीं है, मिट्टी का इको फ्रेंडली ही लेना है या नहीं लेना है, वो थोड़ा डाउटफुल थे। पर गवर्नमेंट ने अच्छा किया जो पिछले एक दो दिन पहले न्यूज़ दे दी कि है ना पीओपी भी है ना इस साल तो लीगल है, पर जो भी तो कस्टमर लोगों का भी वो भी डाउट क्लियर हो गया है, तो सही चल रहा है।